नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अंतर्गत फिरोजाबाद व्यापार मंडल का हुआ त्रैवार्षिक चुनाव संपन्न। फिरोजाबाद के व्यापारियों के कई वर्ष पुराने भ्रम हुए दूर। मथुरा से फिरोजाबाद पहुंचे उद्योग व्यापार मंडल के निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी भ्रमों को किया दूर। आज फिरोजाबाद के तुलसी पैलेस में सरस्वती वंदना कर हुई निर्वाचन की कार्यवाही। जिले की सभी बाजार कमेटी के अध्यक्ष एवं व्यापारियों की सहमति से मनोनीत पदाधिकारियों पर लगी मोहर। कई वर्ष से व्यापारियों की राजनीति कर रहे रविंद्र लाल तिवारी को आज एक बार फिर चुना गया। फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष रविंद्र लाल तिवारी के समक्ष एक भी व्यापारी प्रत्याशी नहीं देखा मैदान में और जिला अध्यक्ष के लिए तिवारी जी पर लगी मोहर। शिकोहाबाद, टूंडला, जसराना एवं अन्य कस्बों नगरों सहित फिरोजाबाद के पदाधिकारियों को चुना गया। वहीं ज्यादातर पदों पर पुराने पदाधिकारियों को ही मनोनीत किया गया। फिरोजाबाद जिला उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष पद के लिए सुनील अग्रवाल और राजेश कुमार का नाम सामने आया, लेकिन सुनील अग्रवाल को व्यापारियों का समर्थन मिलने के बाद उन्हें महानगर अध्यक्ष चुना गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान संगठन से जुड़े कई पदाधिकारी नजरअंदाज भी रहे। रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। आज फरियाद उद्योग व्यापार मंडल के अंतर्गत जो त्रैवार्षिक चुनाव हुआ था उसमें हमारे प्रदेश से श्री मुकेश वासनी जी, जो मथुरा व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, वो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में उपस्थित हुए। उनके दिशा निर्देशन में आज यहाँ चुनाव हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि फरियाद उद्योग व्यापार मंडल की जो स्वस्थ परंपरा रही है कि एक व्यक्ति का ही नाम आएगा, विरोध में कोई भी नाम नहीं आएगा, इसी तरह से हमारे यहाँ पर भी उसी पारिवारिक ढांचे के तहत जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल निर्विरोध और सभी सर्वसम्मति से हुआ है, जिसमें मेरा जिलाध्यक्ष के रूप में नाम दिया गया और जिसमें नगर के लिए सुनील अग्रवाल जी का नाम आया, तहसील अध्यक्ष के लिए श्री देशजी बग यादव जी का नाम आया और विभाग के जिलाध्यक्ष के लिए अमित वासनी जी का नाम आया, हिकमतुल्ला जी के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा का नाम आया। ये सारे नामों को हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी श्री मुकेश वासनी जी ने देखा और सुना और समझा और उसके बाद उन्होंने सभी को नोट करते हुए इस बात के लिए आश्वस्त किया कि सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए, क्योंकि सदन ही सर्वोपरि होता है, सदन की जो भी मंशा है वही बात एक नितांत सत्य रहेगी। और इसी आशा के साथ आज हम फरियाद उद्योग व्यापार मंडल का जो चुनाव किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से फरियाद जनपद के सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने चुनाव कार्यक्रम में भाग लेते हुए जो व्यापारी एकता का परिचय दिया है, मैं उसके लिए साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह से उनसे अपील भी करता हूँ कि आगामी भी कार्यक्रमों में, चाहे संघर्ष का हो चाहे रचनात्मक हो, सभी कार्यक्रमों में इसी तरह से व्यापारी एकता का परिचय देते हुए व्यापार मंडल के हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद। जय व्यापारी, जय व्यापारी। आगामी रणनीति में मेरा मुख्य केवल बिंदु इतना ही है कि जो हमारे प्रदेश का भी निर्देश है, हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी ने अपने उद्बोधन में भी कहा है कि हमारे फुटकर व्यापारियों के साथ में जो ऑनलाइन ट्रेडिंग व्यापार जो हमको खाए जा रहा है, बर्बाद किए जा रहा है, इसके विरोध में हमको कमर कसनी होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में चाहे जो भी हमको निर्देश मिले, पर सबसे पहले हम फरियाद उद्योग व्यापार मंडल से ऑनलाइन ट्रेडिंग व्यापार का विरोध करने के लिए तत्परता के साथ हम ये दिखाएंगे कि पूरे संपूर्ण फरियाद को, जनपद को बंद रखते हुए प्रदेश में ये संदेश दे देंगे कि फरियाद का व्यापारी आज ऑनलाइन ट्रेडिंग व्यापार को किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है। मैं सर्वप्रथम तो बधाई देना चाहूंगा नई टीम को जो चुनी गई है, वो 1 अप्रैल से अपना कारोबार संभालेगी। निश्चित रूप से वो व्यापारियों के हित में अच्छा काम करेंगे। वैसे तो पुराने लोग ही आए हैं, अनुभवी हैं, वो अच्छा काम करते रहेंगे। और बधाई भी देना चाहूंगा राजेश जी को कि एक पद पर 2 नाम आए थे, उन्होंने अपना नाम लेकर एक स्वस्थ परंपरा रखी। मनमुटाव और वैसी कोई स्थिति नहीं बनी, सभी लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए और सबको बहुत बहुत बधाई। पुरानी टीम को बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने समय रहते चुनाव कराकर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्वहन किया। और व्यापार मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, व्यापारी हित में सभी लोग अच्छा काम करें। धन्यवाद। फिरोजाबाद के तहत आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव हुआ है, त्रैवार्षिक चुनाव है। इस चुनाव में जब एक एक नाम आया है तो वो लगभग निर्विरोध निर्वाचित है।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का जो संविधान कहता है वो 31 मार्च तक पुराना समय पूरा होगा। समय पूर्व व्यापार मंडल फिरोजाबाद ने चुनाव कराया है, उसको विधि सम्मत जो अमली जामा मिलेगा वो 1 अप्रैल से मिलेगा। यहाँ सिंगल सिंगल एक नाम आए तो उनकी घोषणा होना स्वाभाविक है। जो मेरे पास नाम आए और अधिकृत रूप से जो घोषणा होगी हमारे मंडल के चुनाव अधिकारी हैं उन्हीं को अधिकार है। आज मेरे पास जो यहाँ की स्थिति आई है उसको मैं लेके जा रहा हूँ और वो विधिवत जो हमारा जो संविधान कहता है उसके तहत हम घोषणा करेंगे। व्यापार मंडल को लेकर व्यापारियों में प्रेशर, व्यापार मंडल एक गैर राजनीतिक संगठन है, उसकी स्वस्थ मन से ये चुनावी प्रक्रिया रहती है। हमारे यहाँ एक नारा है, कौम पार्टी कोई भी हो पहले हम व्यापारी हैं, नाई मोची या हलवाई आपस में सब भाई भाई, इस नारे के साथ हम व्यापार मंडल को चलाते हैं और इसमें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा संगठन के प्रति कार्य करने की रहती है। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यदि संगठन के प्रति उदासीन रहता है तो उसको हटा करके दूसरा बनाया जाता है। हमने देखा कि वर्तमान के पदाधिकारी आज कार्यक्रम के दौरान नहीं, देखिए उनको भी बुलाया गया है, उनकी भी बात सुनी जाएगी और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का संविधान ये नहीं कहता कि हम अलग अलग बैठे, एक साथ बैठना चाहिए था। इसके बावजूद भी उनकी बात सुनी गई है और आगे भी सुनी जाएगी। किसी को हमने इस संगठन से बाहर नहीं किया है, सब हमारे अंग हैं, सभी व्यापारी हमारे साथी हैं और भारत उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने पूरे 50 वर्ष पूरे किए हैं। यह ऐसा संगठन है जो निरंतर चलता है, जितने भी हमसे अलग होकर के व्यापार मंडल बने वो सब हम ही से अलग होके गए। पंडित श्यामहरि मिश्रा से लेकर के मुकुंद मिश्रा तक यदि एक मात्र संगठन ऐसा है जो निरंतर चल रहा है। क्या चुने पदाधिकारियों में फेरबदल की संभावना है? ना, कोई फेरबदल की संभावना इसलिए नहीं रहती, सदन जो चुनता है वो तय रहता है।